पहली बार इसको लेके इसे ऑफ रोडिंग पे पूरा पहाड़ चढ़ाऊंगा मैं। ओह शिट 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 शिट, तो पूरी खाई है भैया, डर भी लग रहा है मेरे को तो इधर देख के। Hey guys, good morning. Welcome back to our new vlog. तो फिलहाल अभी सुबह सुबह की बज रही है 5 और 5 बजे सुबह सुबह से हम मैं निकल रहा हूँ और दो बाइक्स और निकल रही है। हम जा रहे हैं नागलवाड़ी, वहाँ पे ना जो वहाँ तक तो ठीक ही ठीक है, वहाँ पे जो पहाड़ चढ़ते हैं एडवेंचर वो करना है मेरे को तो मैन। तो फिलहाल चलते हैं और मैंने तो हेलमेट वेलमेट सब कुछ रेडी कर लिया है। फिलहाल हेलमेट और माउंट वाउंट सब रेडी कर लिया है। ये रहे हमारे ग्लव्स और ये बैग, इसमें ना मैं फ़ोन वगैरह कुछ चार्जर वगैरह कुछ सारी चीज़ें पटक के रखता हूँ। तो फिलहाल चलो ठीक है। तो फिलहाल जो एक बाइक थी ना तो अभी फ़ोन लगा है तो बोले हम मेरी बाइक तो पंचर हो गई। मेरे को पता है जो सिपाही है ना उनको नींद आ रही है इसलिए बाइक पंचर हो गई, वो सोए हुए। मैं आवाज़ से पहचान गया था, बोले मेरी बाइक पंचर हो गई भैया, पूरा टायर फ्लैट हो गया है। सुबह सुबह से 5 बजे के पंचर बना देगा तो मैं चलता हूँ, नहीं तो मैं सो रहा हूँ। तो मैं बोला रहें तो अगले संडे से ही चलेंगे। तो फिलहाल अभी 3 बाइक थी, अब 3 में से 2 हो गई है। हे गाइस, तो चलो खाना ध्यान रखना, लगा दे दरवाजा, मैं जा रहा हूँ। तो आज तो हम फिक्स 5 बजे बाहर ही निकल गए। ये हमारे शूज़, एक गाड़ी तो कैंसिल हो गई भैया, 2 गाड़ी थी, 2 में से 1 कैंसिल, अब 2 बाइक ही बची है। ओ तेरे की ओसी ओस जमी आ, तो एक बार पहले ओस देखो, इधर ओस पूरी साफ करना पड़ेगी तो पूरी पेंट गीली हो जाएगी। हाँ है गाइस, तो फिलहाल हम गाड़ी को वार्म अप होने देते हैं। और एक चीज़ देखो, और गाड़ी की एक चीज़ देखो, हमने यहाँ पे जो विंडशील्ड होती थी वो निकाल दी है। अब इसका प्रॉफिट भी बताएंगे हम रास्ते में आपको, यदि आपके पास हिमालयन है तो आप इसको निकाल सकते हो, प्रॉफिट बहुत है इसके निकालने के। ठीक है, तो सुबह 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 की 5:13 हो गए, भाई आता ही होगा, भाई को बोल दिया कि यहीं पे आ जाना तो आता ही होगा, फिर निकलते। ये तो 5:13 आ रही है और इधर 6:13 हो गए, ये घड़ी 1 घंटा आगे है। मोबाइल से सेट करना है, टाइम ही नहीं मिल रहा है इसको सेट करने का मेरे को। ठीक है, तो फिलहाल भाई भी आ गया है, आज हमारे साथ जाएगी KTM भी, पूरे भाई तैयार वैयार हो गया है। ठंड तो नहीं लगे? एकदम कंप्लीट हो गया है ना। मैं KTM को पहली बार देख रहा हूँ ऐसा पास से, आज तो मेरा पास से देखा नहीं है, वो भी KTM ड्यूक को। करे वो साउंड तो बहुत ही प्यारा है इसका। चलो चलते हैं। भैया की नींद में गाड़ी पंचर हो गई। हाँ चलो चलो, छोटे मोटे देशों में बड़ी बड़ी, ओ बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो फिलहाल अभी 5:17 हो गए और फिलहाल हम निकलने वाले थे 3 बाइक पर, 3 बाइक की जगह अब निकल रहे सिर्फ 2 बाइक, एम ड्यूक और एक हमारी हिमालयन। कोई दिक्कत नहीं, हर संडे हमारे पास नई नई बाइक आती रहती है। अभी हो सका तो अगले संडे तक हम 2-4 बाइक, अभी ना हम आज निकलने के लिए हमारे पास 6 बाइक थी पर 6 बाइक में से कुछ भाई हट गए, तीन बची। फिर आज 3 में से अभी सुबह मॉर्निंग में 2 बची, अब कुछ कर भी नहीं सकते अपन। चलो कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल 2 बाइक से ही काम चलाएंगे। फिलहाल ये वाली बाइक भी कम्प्लीट चल रही है, इसमें सब कुछ कम्प्लीट है, नॉन स्टॉप चलेंगे हम। पेट्रोल करवा लिया था ना, स्पीड मेंटेन करते हैं, सुबह सुबह का सूरज जल्दी देखेंगे वहाँ पे। भगवान हमारी राइड अच्छी जाए, सही सलामत घर जाए और सही सलामत लोकेशन पे जाए और सही सलामत लोकेशन से घर पे आ जाए। हमको 55 किलोमीटर जाना है, 55 किलोमीटर आना है, 55 जाना और 55 आना है। आज है ना मैंने जैकेट कितने पहने, एक अंदर स्वेटर पहनी है उसके ऊपर एक जैकेट पहनी, जिम के लिए लाया था मैं तो वो भी पहन लिया मैंने। बोले मैंने सोचा कि आज तो ठंड लगेगी भैया बहुत ज़्यादा, और सामने विंडशील्ड हटा दी ना इसलिए ठंड ज़्यादा लगेगी, वो लग भी रही है, सीधी लग रही है यहाँ पे। पर इसका प्रॉफिट भी ये है विंडशील्ड का हटने से, जो हवा की जो तेज वाली कटने वाली आवाज़ आती थी वो नहीं आ रही है, अच्छी वाली हवा आ रही है। बस जैसे ड्यूक चलाओगे तो ड्यूक में कैसा फील होगा आपको, उस टाइप से फील हो रहा है। लगती बहुत प्यारी है ड्यूक, भाई ने नंबर प्लेट भी निकाल के रखी है। और ये है हमारे खरगोन का
बावड़ी बस स्टैंड यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मंदिर है छोटा सा। कल यहाँ से चलते हैं जल्दी जल्दी। मेरे को एक ब्लूटूथ लाना है जो कि हेलमेट में लग जाएगा, एक मेरे हेलमेट में और एक सामने वाले भाई के हेलमेट में, तो हम दोनों बातें करते करते चल सकते हैं। ऐसे में ना हम बोर हो जाते हैं, वो अलग उसकी गाड़ी चला रहा है, मैं मेरी गाड़ी चला रहा हूँ, हम किसी से बात भी नहीं कर पा रहे। चलो भाई, खरगोन से बाहर हो गए हैं और फिलहाल अभी तो पूरा अंधेरा ही अंधेरा दिखता होगा आपको सामने। फिर अच्छी मिलते हैं अच्छी लोकेशन पे। थोड़ा सा अब लोकेशन ढूंढते जा रहे हैं किधर जाना चाहिए। हमारे इधर है ना मंदिरों के अलावा बाकी कोई सी घूमने की जगह है ही नहीं। वाइजर में दिख नहीं रहा है, लाइट आ रही तो पूरा फेल रहा था, साफ करना है इसलिए रुकी गाड़ी। हाँ अपन फॉग एंटी फॉग वो ले आएंगे, एंटी फॉग में लिंक दूंगा तो उससे ले आना, और वाइजर पे लगा लेना अंदर से तो फॉग नहीं आएगा। आप सभी को भी दे दूंगा लिंक, ये भाई को भी दे दूंगा, ले लेना। एक ऐसे ना हमको हम ऐसे अंधेरे में निकलते हैं, सिर्फ एक बाइक पूरी, एक बाइक मेरी और पूरा अंधेरा, ना पीछे कोई ना आगे कोई। देखो फिलहाल दो ही बाइक चल रही है, तो मेरे को ना थोड़ा सा डर भी लगता है कि कोई रोक नहीं ला हमको क्योंकि इधर चोरों का भी रहता है ना थोड़ा सा। ऐसे तो है नहीं, अभी समय थोड़ा अच्छा आ गया है, फिर भी दो ना एक कार भी अभी तक नहीं निकली इधर से, सिर्फ हमारी KTM। बहुत प्यारी लग रही है यार, पहली बार मैं KTM को मेरे साथ में लेके चल रहा हूँ और साथ ही साथ लुक उसका मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारा आ रहा है। हम भी बहुत जल्दी एक ना RC लेंगे, 390 ही लूँगा मैं। सिखावा ही है ना शायद। हाँ तो हमको इधर से टर्न लेना है अंदर, यदि आप भी आ रहे हो तो आ जाना सिखावा से अंदर टर्न ले लेना। 1 बजे सोया हूँ और 4 बजे उठा हूँ, कितने घंटे 3 घंटे सोया हूँ सिर्फ सोचो, और पर डे भी ऐसे ही सो उठता हूँ। मेरी ना पूरी हालत ख़राब होता जा रही है, और अभी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाना है आप सभी को देना है तो करना ही पड़ेगा। फिलहाल तो 6 बज चुकी है और अभी हम आ गए अच्छे लोकेशन पे। जब तक वहाँ पहुँचेंगे हम, जब तक पूरा दिन भी नहीं निकलेगा सही से, देखना उसको भी एक एक्शन कैमरा दिलवाते हैं कि भाई भी ब्लॉग करेगा, मोटो ब्लॉग साथ में। हाँ मैं ना हम भी आगे बढ़ेंगे और हमारे जो दोस्त बनेंगे हमारे साथ जो जुड़ेंगे हम उनको भी आगे बढ़ाएंगे, पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी भैया। मेहनत मैं नहीं करूँगा, मेहनत आपको करना पड़ेगी। सिर्फ हम आपको थोड़ा, मैं थोड़ा बहुत गाइड कर दूँगा, भाई ऐसे ब्लॉग नहीं करते हैं ऐसे करते हैं, कुछ कुछ चीज़ें सिखा दूँगा मैं, जैसे भाई को थोड़ा बहुत सिखाया मैंने अभी ब्लॉग के बारे में, हर थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिखाएंगे उसको भी, क्योंकि हमारे साथ हम दूसरों को भी लेके चलेंगे। चलो अभी तो हम इधर चलते हैं। तू कभी ना रे देता इन्ना सर न चढ़ा मैनू तू, मैं बिगड़ जानिया है फिर, तेरी आदत जे लग गई तो तेरे बिन मर जानिया है फिर। हे गाइस, तो देखो अब देखो अब पहाड़ दिख रहा है, अभी तो एक पेड़ आ गया यार बीच में। यदि आप में से भी कोई ज्वाइन करना चाहता है हमको खरगोन से, यदि स्पेशली खरगोन से बाहर से यदि आप रहोगे तो आप इतनी दूर आओगे फिर राइड करोगे, इसलिए मैं कोई बाहर बंदे से राइड करूँ ही नहीं, क्योंकि वो सामने वाला मेरे को पता है आ जाएगा 100% आ जाएगा, पर हम उसको परेशान नहीं करना चाहते। हम खरगोन के जो MP10 के जो बंदे हैं उनको जोड़ना चाहेंगे कि सुबह सुबह से जल्दी से आ भी जाए और हम जल्दी जल्दी शॉर्ट राइड भी कर लें। यदि कोई भी हो, कोई भी आना चाहता हो तो कमेंट में ज़रूर बताओ, है ना, तो मैं उनसे बात करूँगा, कमेंट बताओ और मैं उनको कमेंट में रिप्लाई करूँगा, फिर उनसे बातचीत हो जाएगी, फिर मिल लेंगे। पहाड़ पे अभी से चढ़ना है क्या? ओह गई 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 थोड़ी सी इधर लगाने दो भैया। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम पूछ चुके, ये रही हमारी हिमालयन, साफ करने दो पहले, ये रही हमारी हिमालयन और ये रही हमारी KTM ड्यूक, और फिलहाल अभी पहुंच गए। तो अभी यहाँ से ऐसा पहाड़ चढ़ना ऐसा ऐसा करके हमको इतनी ऊपर जाना है अभी से, तो फिलहाल सोच रहे थोड़ा सा उजाला होने देते, 10-15 मिनट होने देते, उसके बाद ही चलेंगे यहाँ से ऊपर। फिलहाल बाइक की लाइट बंद करते, बैटरी डिस्चार्ज हो रही भैया इसकी। तो ठीक है, तो उधर से मुर्गे भी चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग हो गई भैया उठो। फिलहाल हम तो उठ के हमारी बाइक्स लेके निकलने के लिए तैयार है। हे गाइस, तो फिलहाल भाई की गाड़ी का ये बहुत सड़ा सा आवाज कर रहा है, तो भाई ने LNG भी लग के रख के रखी है, तो लग के नहीं रख के रखिए,
तो उसको टाइट करेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ से उस जगह पे जाएंगे तो पता ही चल जाएगा हमको सब, पूरा फुल एडवेंचर ये पहाड़ी एडवेंचर है। अभी सोचो हमको पहाड़ ही चढ़ना पड़ेगा, और खड़ा ऐसा तो नहीं कि लंबा चलते चलते जाना है, नहीं ये गए यहाँ से पूरा सीधा पहाड़ खड़ा चढ़ना है, खड़ा नहीं सा राउंड रन जिगजैग में। सोचो कितना मजा आएगा, एडवेंचर तो अभी फिलहाल यहीं पे बचा है, पूरा रास्ता तो बस ऐसा ही था। हे गाइस, तो थोड़ा सा हम 10 मिनट क्या रुके, दिन ही निकलने लग गया है तो हम सूरज निकलेगा जब तक उस मंदिर ऊपर जो मंदिर है यहाँ पे, तो यहाँ तक पहुँच जाए तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। दिन निकलने से पहले पहले सूरज निकलने से पहले दिन तो निकल ही गया है। सूरज देखने के लिए हम क्या क्या करते हैं भैया, सुबह सुबह से निकल जाते हैं 5 बजे से अच्छी जगह से सूरज देखने के लिए। हमको सूरज देवता से बहुत ज़्यादा प्यार है। आपने कभी ऐसा किया है सूरज देखने के लिए, सनराइज देखने के लिए कहीं गए हो? पहले तो मैं जो लोग ऐसे जाते थे उनका हंसता था, पर यदि मैं उठ के जाने लगा ना तो मेरे को मजे आने लगे। सूरज जो फील आती एकदम ताज़ी ताज़ी धूप लगती है अपने को, अपनी बॉडी को, वो बहुत प्यारी लगती भैया। और व्यू देखने में भी थोड़ा सा मज़ा आता है और दिन भी पूरा अच्छा हो जाता है। तुम तो गाड़ी आगे आगे ही चलाना ये तो उछलते उछलते चली जाएगी। भगवान का नाम लेके चलने दो। हे नागराज भगवान, फिलहाल हमारा लाइट भी बंद कर देते हैं, अब लाइट की जरूरत नहीं हमको। अरे इधर देखो पहाड़ों, हम लेट हो गए। इधर पहाड़ों भी सूरज देवता का रोशनी में आने चालू हो गई। चलो अब तो हमारी हिमालयन चढ़ेगी, पहाड़ चढ़ेगी पहाड़। पहली बार इसको लेके इसे ऑफ रोडिंग पे पूरा पहाड़ चढ़ूंगा मैं। मेरा साथ देना मेरी जानू चलो अभी तो इतना कुछ खास नहीं है, एडवेंचर तो कच्चे रास्ते में आता है और हमको ना बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। दो सामने सीधी की सीधी खाई होने, ये यदि थोड़ा स्पीड में ले गए पूरा खाई में जाके गिरेगी। हमको स्पेशल गाड़ी है ना, थोड़ी धीरे ही चलाना है, स्पीड में नहीं भगाना है। नज़र हटी दुर्घटना घटी, और पूरे ऐसे आड़े तिरछे पहाड़ है भैया। अरे अभी तो ठीक है ना, थोड़ा मिड डस्ट है, पहले तो इतने बड़े बड़े पत्थर रहते थे पूरे ये पहाड़ पे, इतने बड़े बड़े पत्थर। ये साइड में कैसे दिख रहे, ये साइड में पत्थर कैसे दिख रहे, ऐसे पत्थर पूरे बीच रास्ते में यहाँ से वहाँ तक रहते थे। चलते 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 एकदम से गाड़ी पीछे आ जाती है, कोई सी भी गाड़ी, कार भी हो, कोई भी गाड़ी हो। फिलहाल भगाएंगे नहीं क्योंकि सामने टर्न भी आता है तो गाड़ी कंट्रोल नहीं होगी, डस्ट पूरी यहाँ पे। KTM वाला भाई तो ले गया भगाते भगाते, तो पूरे पूरे यू टर्न ही है ना। चलो एक पॉइंट तक तो पहुँचे, ये देखो नीचे खाई, इधर भी खाई, पूरा ये डस्ट भाई जो गाड़ी चला रहा है पूरे मुँह पे लग रही है। मेरे को ना टैंक ग्रिप लगाना पड़ेगी, देखो कैसे हिल रहा है मेरे पैर, ग्रिप नहीं बना पा रहा हूँ मैं खड़ा हो गया तो मेरी पिछली गाड़ी का पिछला टायर उछल रहा है। ओ शेट 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 शेट, तो पूरी खाई है भैया, डर भी लग रहा है मेरे तो इधर देख के, इसलिए मैं उधर खाई है तो इस साइड चला रहा हूँ मैं गाड़ी, उस साइड तो लेके जाना ही नहीं मेरे को गाड़ी। सेकेंड गियर पर ही चढ़ा रहे हम, हमारी थार को भी लेके आएंगे यहाँ पे। अरे थार तो ऐसे ही चढ़ जाएगी, ये देखना मैंने 4 लो में लगा दिया, एक्सेलेटर से पाव भी हटा दिया तो मन से चढ़ जाएगी थार, बिना एक्सेलेटर से चढ़ जाएगी। ओ भाई खाई देख के भी डर लग रहा है मेरे को साइड में, मेरे को ऊंचाई से डर लगता है सच्ची बोल रहा हूँ। और भाई लोग क्या हाल है, हम आ गए पर खाने के लिए भूल गए तेरे लिए लाना। चलो बाइक्स को यहाँ पे लगाते हैं। गुड मॉर्निंग। देखो कितनी ऊंचाई पे आ गए, अभी तो मंदिर जाएंगे ना, ओरिजिनल भी उधर है, वो तो हम इधर ऐसे ही आ गए थे भटकते। ये रहा पहाड़, हम ऊंचे वाले पहाड़ पे। हमारे दोस्तों के लिए कुछ खाने को नहीं लाए यार, इतनी सुबह सुबह से ना भूल जाते, पर हमारे हमको दोस्तों से डर भी लगता है। देखो कैसा देख रहा है, जैसे पूछ तो हिला दे, तो ये प्यारा सा बच्चा आ गया। और मेरे दोस्त, बेटा तेरे लिए कुछ लाएंगे, अगली बार आएंगे ना तो हम तेरे लिए कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे खाने के लिए। बिल्कुल हम भूल गए, बस बस बस, ज़्यादा प्यार मेरे को अच्छा नहीं लगता है फटती है मेरी।
तो फिलहाल ग्लव्स वगैरह निकाल दिए क्योंकि बस ये जाना है, यहाँ से टर्न लिया कि मंदिर पहुँच जाएंगे। फिलहाल ये रहा मंदिर, हमको हमारी बाइक्स की इधर पार्क करना पड़ेगी यार, उधर आगे जा नहीं सकते, इधर लगा देते साइड में। फिलहाल इधर से जो व्यू दिखता था ना, पर व्यू पूरा गायब हो चुका है। इधर देखो पेड़ आ गए यार। चलो मंदिर पास से तो व्यू दिखेगा ही दिखेगा, टेंशन क्यों लेते हो। फिलहाल बता, जो टाइगर घूम रहा था, चीता, वो इसी जगह पे घूम रहा था रात में। तो गाइस जिस चीज के लिए आए थे वो देखो, सूरज देवता कितने प्यार से बाहर आ रहे हैं। उनको अपन देखते भी है ना तो आंखों को चुभते नहीं है, इसलिए हम सुबह सुबह से देखो, सुबह सुबह से भगवान के दर्शन करो। काला मिजा की साइट आ गए, ये रहा मंदिर यहाँ का, पूरा मार्बल का है भाई। और यदि ऐसी हालत में ठंड में अपन इसके मंदिर में चल जाओ ना, पूरे पाँव कांप जाते हैं, इतना ठंडा मंदिर है। फिलहाल सारे द्वार से लगे अभी मंदिर के पूरा लगा हुआ है, क्योंकि इतनी सुबह सुबह से कौन आता है मंदिर में यार। और भाई चेक कर हमारे सूरज देवता को, जिसके लिए हम आए थे इतनी दूर, हमारे सूरज देवता। क्या ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, मस्त लग रहा है। और इधर देखो पूरा धुंध धुंध। और फिलहाल अभी हम आ रहे हैं उस जगह से, नीचे से दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा। देखो उस जगह से, वहाँ से नीचे से आ रही जगह से, इधर से ऐसा 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 यहाँ से करते हुए इस पहाड़ पे अभी यहाँ पे आके खड़े हैं। गाइस तो फाइनली हम लोकेशन पे आ गए, हमारे सूरज देवता इधर से ऊपर आ रहे हैं। उधर देखो मंदिर, मंदिर तो फिलहाल बंद है यार। वैसे भी हम मंदिर के अंदर जाएंगे नहीं, मंदिर बंद है, हम तो बस भगवान जी से दूर से दुआ कर लेते हैं। हे भगवान हमारा ध्यान रखना, और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी का ध्यान रखना। हे गाइस तो फिलहाल अभी सूरज देवता आ रहे हैं, तो एंजॉय करो, पूरा बाहर आने देंगे हम तो आज तो सूरज देवता, 10-15 मिनट के अंदर ऊपर ही आ जाएंगे, पूरे टाइम लैप्स एंजॉय करना। और सूरज देवता के बस धूप के मजे ले रहे हैं, जो प्यारी प्यारी सी धूप लग रही ना उस चीज के मजे ले रहे हैं। फिलहाल भाई का चैनल भी है, क्या नाम से था अपना? अनुराग ब्लॉग्स। अनुराग ब्लॉग्स, तो फिलहाल भाई के चैनल को भी जाके चेकआउट कर लेना, वो भी मोटो ब्लॉग्स डालेंगे। अभी उनको भी ना एक गोप्रो दिलवाते जल्दी जल्दी, फिर वो भी साथ में ब्लॉग्स बनाएंगे। मस्त व्यू आ रहा है सूरज के, एकदम प्यारी प्यारी सी धूप लग रही है, वो एकदम कड़क वाली नहीं भगने वाली, एकदम प्यारी सी, ऐसा लग रहा है बस बैठे रहो यहाँ पे चैन से। इधर देखो ये, फिर भी हल्की फुल्की ठंड लग रही थी हमको अभी। हे गाइस तो बहुत देर तक बैठे रहे, हमारे सूरज देवता तो कितने ऊपर आ गए। फिलहाल अभी हम मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर में वीडियो अलाउ नहीं है भैया, इसलिए देख शायद ही दिखा पाओ। पंडित जी चिल्ला देते भाई, भगवान जी दिखा देता हूँ, दूर से भगवान के दर्शन करा देता हूँ, कर लो दर्शन। फिलहाल दर्शन करवा दी, बोलना मत फिर भगवान के दर्शन नहीं करवाए। ये रहा हमारा खरगोन का, आई लव खरगोन, देख ले कहा रहता हूँ, आई लव खरगोन। फिलहाल अभी हमने गाड़ी रोकी थी यहाँ पे, मैं भाई को ना उसकी जो फोटो वीडियोस था थोड़ा दे दूँ, यहाँ चेयर्स वगैरह है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय बाय, लव यू, बाय बाय।